परेशान करने लगी है। दरअसल मौसम उतार चढ़ाव के बीच शुक्रवार को दिल्ली NCR के कई इलाकों में तेज धूप के साथ गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान किया। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार के लिए राजधानी दिल्ली और NCR के शहरों में अलग अलग स्थानों पर लू की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को दिन भर आसमान साफ रहेगा। इस दौरान अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 44 एवं 25 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। हालांकि एक दो दिन बाद तापमान फिर से नीचे गिरकर 41 से 42 डिग्री की रेंज में आ जाएगा। आंशिक रूप से बादल छाए रहने पर लू चलने की संभावना भी नहीं रहेगी। गौरतलब है कि तेजी से बदलते मौसम में गर्मी फिर से भीषण रूप लेने लगेगी। दिल्ली के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 45 डिग्री पार चला गया था, तो लू भी लौट आई है। सप्ताहांत यानी शनिवार व रविवार को गर्मी और तापमान के और बढ़ने की संभावना है। वहीं तेज धूप के बीच दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक 42.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम 24.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 12 से 65 रहा। मुंगेशपुर 45.5 डिग्री सेल्सियस व पीतमपुरा 45.6 डिग्री सेल्सियस में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और नजफगढ़ में स्वचालित मौसम स्टेशनों ने भी अधिकतम तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस और 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया।